apocalypse. हेलो गाइस, तो गाइस स्वागत है मेरे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस मैं बहुत महीनों के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, मतलब एक महीने हो ही चुके हैं फिलहाल। तो आज हम लोग खेल रहे हैं पबजी मोबाइल, जो कि यार अभी बहुत ही ट्रेंडिंग गेम चल रहा है, तो हमें भी थोड़ा कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम खेल रहे हैं वॉर मोड, जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियो की जो पबजी की वीडियो थी उसमें आप लोगों ने बहुत स्पैम किया था कि यार वॉर मोड तो खेल के दिखाओ। तो आज मैं वही खेल रहा हूँ और साथ में कमेंट्री भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर उतरा हूँ, और यहाँ पर मैं क्यों उतरा हूँ वो तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि यार वॉर मोड में कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हमें घर में यार अलग से वेपन मिल जाती है। जैसे अगर स्नाइपर गेम चल रही है तो यार हमें घर से बहुत ही अच्छे खासे लूट मिल जाते हैं, जिससे हमारे पास एडवांटेज आ जाता है कि हम लोग दूसरे बंदों को आसानी से मार सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये SMG की थी, पर मैंने उठा ली है M249 प्लस एक शॉटगन है, ताकि शॉर्ट रेंज में मुझे काम आ सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं अभी भाग रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर मुझे फुटप्रिंट्स की आवाज़ आई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो बंदे हैं, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने दोनों को ही मारने की कोशिश की थी, मगर यहाँ पर मेरी गोली थोड़ी सी कम पड़ गई। तो मैंने क्या सोचा, चलो यार इसके सामने जाते हैं और शॉटगन से इसे मारते हैं, क्योंकि ये देखने में ही नूब लग रहा है। तो ये देखो मैंने इसे भी मार दिया, और इसके पास जितने भी सामान है ना मैं उन सारे को लूट लूँगा, ताकि मुझे वापस से बुलेट्स मिल जाए, क्योंकि यार मेरे पास बहुत ही कम बुलेट्स हैं, और फिलहाल इसके पास भी बहुत ही कम बुलेट्स हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एमओ बिल्कुल नहीं है इसके पास। तो अभी यहाँ पर मुझे और एक फुटप्रिंट्स आ रही थी, मतलब कोई मुझे मार रहा था, फुटप्रिंट नहीं कोई मुझे मार रहा था। तो यहाँ पर वो घर में ये जो इसके पीछे वाला जो घर है उसके अंदर ही है, तो वहाँ पर वो जैसे ही आता है मैं मैनेज कर लेता हूँ उसे पूरा मारने का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, तो अभी मैं जाऊंगा उसे लूटने के लिए। पहले तो यार मैं थोड़ा सा कोने में बैठ जाता हूँ, मुझे नहीं पता था वो कहाँ पर मरा है, तो मैं यहाँ से जाके कोने में बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता होता। फिर यहाँ से मुझे एक पेन किलर मिल जाता है, जो कि यार मुझे काम आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी डेड बॉडी, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ टॉमी गन, जो कि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है SMG में। वेक्टर और टॉमी गन ये दोनों ही मुझे पसंद है, तो अगर मुझे आप चूज़ करने बोलोगे टॉमी या वेक्टर से, तो मैं तो चूज़ करूँगा भाई टॉमी गन को। तो यहाँ पर अभी मैं इसे मारने जाता हूँ, और जैसे ही मेरे पास आपको पता ही है थोड़ी सी लाइफ रहती है, तो ये मुझे मार देता है, और मैं फुल लाइफ करता ही नहीं हूँ कभी भी, ये मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। तो फिर मैं दूसरे बार में उतरता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी यार बहुत सारे जन आते हैं। तो ये जो पहाड़ी है ना, यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंपर भी मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर गोली की आवाज़ें आ रही है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पर मारने के लिए, पर मुझे कोई नहीं दिखता। तो मैं ऐसे ही ढूंढते इस बंदे के पास आता हूँ, और इसे मैं मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में चुल मची रहती है, मगर मैं उसे एक भी शॉट नहीं मार पाता। तो यहाँ पर एक और बंदा था, मगर वो बंदा नहीं था, ठीक है, वो बंदा नहीं था। मैंने बस इसे टेस्टिंग के लिए ऐसे दबा दिया था, मुझे लगा वो बंदा है, पर वो बंदा नहीं था। तो यहाँ पर यार ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे कैंपर घुसे रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार जाते एक बार वहाँ पर भी देख लेते हैं, और मुझे ये भी डर था कि यार कोई मुझे पीछे से ना मार दे, क्योंकि पहाड़ी में भी सब लेटे हुए रहते हैं, और जब कोई कैंपर हमें मार देता है ना, तब हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा शेफ है, यहाँ पर एक बंदे की फुटप्रिंट्स की आवाज़ आ रही थी, तो मैं क्या किया, मैं धीरे धीरे पहले उसे देखा इस साइड नहीं है, तो अब मुझे यकीन हो गया कि यार वो दरवाजे के पास ही, और मैंने जाकर उसे मार दिया, और उसके जितने भी सारे चीज़ें थे वो सारे के सारे मैंने लूट लिया। अब यहाँ पर यार मुझे और भी ज़्यादा फुटप्रिंट्स की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वेट किया, और फिर वेट किया, और वेट करते गया, जब तक यार मुझे साबित नहीं हो जाता, मतलब यकीन नहीं हो जाता कि बंदा कहाँ पर है। ठीक है, मैं फुटप्रिंट की आवाज़ें सुनते जा रहा था, मतलब देख रहा था, यहाँ पर भी मैप पे भी दिख रहा है, प्लस कानों में भी सुनाई दे रही है इसकी फुटप्रिंट्स की आवाज़ें। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर गया, क्योंकि वहाँ पर एक बंदे की फुटप्रिंट की आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ पर ये कोने में छुपा हुआ था, और मैंने इसे मार दिया। यस, तो यहाँ पर मैंने इसे मार दिया। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, और ऊपर जाते जाते यहाँ पर ड्रॉप भी गिरी हुई थी, पर मैंने उसे नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर भी कैंपर बैठे रहते हैं और झाड़ियों में छुपे रहते हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। तो यहाँ पर किसी ने भी बॉम्ब फोड़ा, और यहाँ से देखो यार आवाज़ आ रही है ना, तो अभी मैं इसे मार दूंगा, पर पता नहीं मैंने इसमें 6x क्यों लगा रखा है यहाँ पर। और मुझे कोई पीछे से भी मार रहा था, मतलब मेरे साइड से मार रहा था, लेफ्ट से, तो मैं छुप गया जल्दी से जाके। और यहाँ पर छुपने के बाद मैं रिलोड मारा, और पीछे से किसी ने मुझे मार दिया। यही होता है यार ये गेम में, यही होता है कि कोई हमें पीछे से मार देता है और हमें पता भी नहीं चलता। और मैं यहाँ पर फिर से उतरा, यहाँ पर एक ड्रॉप भी है, यहाँ पर ये बंदा है, इसको मैंने मारने का कैसे भी मैनेज किया। ये यहाँ पर एक बार मैं नहीं मारा, तो मुझे
वापस घूम के आके इसे मारना पड़ा। तो फिर यहाँ पर यार एक बात ऐसी होती है, मतलब यहाँ पर मुझे कैंपर भी दिख जाते हैं, तो वो अभी बाद में आएगा वो कैंपर। तो यहाँ से यार पहले मैं देखता हूँ वहाँ पर एक बंदा भागते हुए दिखा, तो मैं उसे भी मार देता हूँ जैसे वो लूटने जा रहा था, पर मैंने तुझे मार दिया। तो गाइस यहाँ पर ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप लूटा हुआ है, मैंने पहले ही देख लिया था, फिर भी पता नहीं मैंने इसे क्यों चेक किया। तो यहाँ पर मैं अभी चाहता हूँ इसको लूटने के लिए, देखते हैं इसके पास क्या मिलता है। तो यहाँ पर है इसके पास UMP9। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और रीलोड वीलोड करता हूँ, देखता हूँ यहाँ वहाँ कोई मिलता है कि नहीं, क्योंकि यार हमें जीतना है ये कैसे भी। ये वैसे भी सोलो है, ठीक है, सोलो वर्सेस सोलो, तो इसमें इतनी कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलोगे तो यार उनके पास एडवांटेज होता है। तो पीछे से देखो यार, ये कैंपर ने मुझे मार दिया जो कि लेटा हुआ था, और ये टाइम पे यार मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि यही बंदे ने मुझे 2 बार मारा है, ठीक है, आगे चल के भी यार मुझे यही मारेगा। फिर उसके बाद 3रे बार में मैं इससे रिवेंज लूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं वापस वहीं पर आया, और ये जो बंदा है ना आराम से इंजॉय कर रहा था, मुझे लगा ये वही बंदा है जिसने मुझे मारा, मगर नहीं, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर ये सोया हुआ है, मैं जैसे ही उस पर एम लगाने जाता हूँ उसे एक शॉट लगता है और वो मुझे फिर से मार देता है, एंड फिर से मैं वापस से उड़ उड़ कर आता हूँ उसी के पास। मतलब इस बार मैंने सोच लिया कि यार इस बार रिवेंज लेके रहूँगा। तो यहाँ पर मुझे वो सामने ही दिख गया था, इसीलिए मैंने क्राउच कर लिया और फटाक से उसे मैंने मार दिया। यस, रिवेंज कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास आ चुके हैं अभी कितने सारे किल्स, और अभी यार मतलब जीत सकते हैं हम लोग, ठीक है, अभी जीतने के कगार पे, मतलब फर्स्ट सेकंड के बीच में ही हम लोग। अब आगे चल के देखते हैं हम लोग जीतते कि नहीं। और ये जो चीज़ है ना, मतलब ये जो अभी मैं टेढ़ा हो गया था, ये मेरे मोबाइल में एक फॉल्ट है, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है अपने आप, जैसे मैं स्प्रिंट करने के लिए दबाता हूँ तो वो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाता है। तो इसके वजह से मैं बहुत बार मर भी चुका हूँ बैटल फील्ड में। तो यहाँ पर मैं अभी ऊपर जाके भी देखता हूँ कौन है कहाँ है, क्योंकि यार मुझे जीतना है, क्योंकि देखो यार मेरा यहाँ पर 1 है, वहाँ पर उन लोगों का 2 है, अगर कोई भी मेरे मतलब कोई भी बंदा 1 किल ले लेता है तो वो मेरे से आगे हो जाएगा और वो आसानी से जीत सकता है। आप लोगों को पता ही होगा यार वॉर मोड कैसा होता है, क्योंकि आप लोग मेरे से प्रो होंगे, मैं नूब हूँ थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसे भी मारने की कोशिश की थी, मगर इसे 2 या 3 हिट के बाद एक भी हिट नहीं लगी, ये पीछे चले गया माउंटेन के, जिससे उसे एडवांटेज मिल गया, कवर मिल गया, और मैं उसे नहीं मार पाया। और यहाँ पर मैं ऐसे ही टेस्ट करने के लिए वापस से वही गोलियाँ चला रहा था, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर आगे चल के भी यार मुझे बंदे मिलते हैं, जैसे उड़ उड़ के आते हैं ना वैसे बंदे मिलते हैं, और मैं उन्हें मार देता हूँ। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बंदा है सोया हुआ, तो उसे भी मैं मार दिया, और यहाँ पर एक बंदा भाग रहा है, चलो यार इसे मारते हैं। और ये भी मर गया, पता नहीं कैसे इसे हिट लग गई, पर जैसे भी लगी यार बहुत अच्छा हुआ, मुझे किल तो मिली। तो यहाँ पर एक बंदा उतरा है, आराम से उतरा है, लगता है इसकी पिंग बहुत हाई थी इसलिए ऐसे ही खड़ा है, चला भी नहीं थोड़ा सा, लगता है इसकी पिंग बहुत हाई थी और ये यहीं पर रुका है। और जैसे मैं इसे मार देता हूँ, वो बाद में उसको नोटिस होता है कि भाई मैंने उसे मार दिया। तो ऐसे अभी आप लोग देख सकते हो मैं यार बंदों को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर जो विन रेट है ना, मतलब मैं जीत भी सकता हूँ यहाँ पर, मैं हार भी सकता हूँ। तो मैं फटाक से एक बंदे को ढूंढता हूँ और उसे मार देता हूँ, और यस, विनर विनर चिकन डिनर, मैं जीत जाता हूँ। तो ऐसे यार ये थी गेम प्ले, जो कि यार उतनी खास नहीं थी, मैंने 14 किल लेने की मैनेज कर ली। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आउटफिट भी थोड़ी कमाल की है। हाँ, मैंने अभी तक रॉयल पास नहीं खरीदा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वैसे यार अगर आप लोगों को ऐसी कमेंट्री वाली बढ़िया वाली वीडियो चाहिए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने जितने भी तुम्हारे पबजी वाले दोस्त हैं ना, जिनको पबजी देखना पसंद है, उनको ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि यार अभी क्लैश ऑफ क्लैंस में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। अभी हम लोग यार पबजी की कंटेंट रोज़ लाऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैं 1 महीने से यार थोड़ा सा मतलब आलसी हो चुका था, तो वीडियो नहीं आ रही थी, मगर अब से वीडियो रेगुलर आएगी, मतलब ऐसे कमेंट्री के साथ मैं खेलूंगा गेम, और शायद मैं लाइव भी आ जाऊँ कभी ना कभी, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, हर जगह पे शेयर कर दो, फैला दो। अगर आपको पसंद आए तो भाई प्लीज़ कर दो ना ऐसा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए प्ले गेम, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी कॉमेडियन, पीस आउट।